और ऐसे मुख्यमंत्री जो इंजीनियर अपने आप को कहते हैं उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नितिन नवीन जी मंत्री थे पथ निर्माण के, उनको नाला में गिरा देंगे क्या, ये नाला में डूब जाना चाहिए। मैं क्या जानता था कि एक इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार में हो और पूरा इंजीनियरिंग ही फेल हो गया हो। अरे तकनीकी पक्ष बताइए, प्रवचन मत दीजिए इस पर। और हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहा है, इसका हेलीकॉप्टर है, कहाँ का हेलीकॉप्टर है? नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। अगवानी घाट स्थित गंगा पुल जो गिरा है उसको लेकर राजनीति अब तक खत्म नहीं हुई है। बीते दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हवाई सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद साफ कहते हैं कि हमको क्या पता था कि बिहार के इंजीनियर मुख्यमंत्री ऐसे होंगे, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, कह तो रहे कि इंजीनियर मुख्यमंत्री ऐसा होता है। नितिन नवीन जी मंत्री थे पथ निर्माण के, उनको नाला में गिरा देंगे क्या, ये नाला में डूब जाना चाहिए, ये क्या भाषा है? और देश के अंदर में पुल टूटने की पहली घटना हुई है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में पुल गिरा है, गोवा में पुल गिरा है, कर्नाटका में पुल गिरा है, बहुत जगहों पर है, इतिहास है। NHAI का रोड भाई, भारत माँ का मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए तो नाला में पानी डाल मुँह डाल लीजिए, क्या भाषा है यह? यह तो बताता है कि भाषाई अब संस्कृति के शिकार हो चुके हैं। और गर्मी का लगता है असर हो रहा है, गर्मी का असर होता है तब ना भाई, पगड़ी है अब गर्मी भी उतना ही है, अब पगड़ी 24 घंटा खुल ले रहा है, तो 24 घंटा जब पगड़ी नहीं खुलेगा तो भाषा आपकी विकृत हो जाएगी। अरे तकनीकी पक्ष बताइए, प्रवचन मत दीजिए इस पर, आप तो पढ़े हैं ऑनलाइन, मैंने पढ़ाई की है ना, आई IIT रुड़की जांच किया है, जहां आपको नाम लिखाने का भी सौभाग्य इंट्रेंस टेस्ट हमको लगता नहीं है दिए हुए पक्का। हाँ ऑनलाइन, ऑनलाइन डिग्री है इनका, ऑनलाइन, अब समझ लीजिए ऑनलाइन डिग्री क्या होता है। तो जहां माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं हो तो वहां तो भाषा विकृति होगी। ऑनलाइन है इनका डिग्री, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का, अब बताइए भाई, पढ़ते तब ना समझ में आता कि पढ़ाई किसको कहते हैं। सोना का चम्मच लेके तो जन्म लिए, तो भाषा तो विकृत हो ही जाएगी। इसलिए हम यह सलाह देते हैं कि IIT रुड़की जांच कर रहा है, जहां कि आपको जाने का कभी मौका नहीं मिला होगा, आपको तो कभी वहां के बच्चे छात्र बुलाएंगे भी नहीं वहां पर आपको बोलने के लिए, और हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहा है, इसका हेलीकॉप्टर है, कहाँ का हेलीकॉप्टर है, कौन कौन दे रहा है इसका पूरा साधन? अब विजय सिन्हा जी को कहली चढ़ने दे रहे हैं आप अकेले घूम रहे हैं उस पर? विजय सिन्हा जी विपक्ष के नेता है, वो लगातार विधायक हुए हैं, तो उनको चढ़ने का कभी मौका नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अरे सड़क अच्छी बनी है, ये हम ना बनाए हैं, बिजली हम पहुँचा दिए, रात में जाते देखते जा करके वहाँ कि कैसे लोग काम करते हैं, तो मेहनत करने से राजनीति में नतीजा अच्छा मिलता है, हवाई उड़ान धरने से नहीं सुविधा। और बताइए तो क्या बोल दिए पूर्णिया में जाकर के कि बांग्लादेश के शरणार्थी आ रहे हैं, अमित शाह पर सवाल खड़ा कर दिया, सीमा के सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है, सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, तो अगर शरणार्थी आ रहे हैं, चूंकि राजनीतिक शरणार्थी है, RSS से तो आए नहीं है, ये तो भाजपा के राजनीतिक शरणार्थी ने, तो अमित शाह पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि अमित शाह जी आप नाकाबिल हैं, कि अभी तक घुसपैठ हो रहा है, इसका मतलब सीधा है कि आप भारत सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो जो अपने दल के नेता पर ही सवाल खड़ा कर दे उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन आप लोग क्यों नहीं गए वहां पर, तो कोई सत्ता पक्ष के नेता गए नहीं देखने के लिए, आज तक नेता प्रतिपक्ष चले गए, नेता दोनों सदन नेता जी इंजीनियर है क्या है वो जाके देख के सामने क्या, क्या बुद्धि है, मन बताए चुल्लू भर पानी में डूब उनको बताना चाहिए ना कि उसका लेंथ कितना है, पूछ लीजिए उसे सीधा, उसका लेंथ बता देंगे, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका डेप्थ कितना है, उसके डिजाइन में क्या परेशानी थी, डिजाइन देखे हैं उसका, डिजाइन भी नहीं देख सकते हैं ये लोग, राजनीति का प्रवचन करते हैं केवल, और किसका धन लगा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, किसका धन है वो? चूंकि आपका संस्कार यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मीटिंग प्रदेश कार्य समिति का श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र स्मृति न्यास पर
से आवेदन दे रहे थे आप यहीं पर ऊर्जा ऑडिटोरियम में, सब जांच होगा, सब हम लोग पता लगा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का कौन है, कहां से कौन फाइनेंसर हेलीकॉप्टर का है। अब हेलीकॉप्टर में बताइए तो दूसरा लोग बीपीएल है, नहीं चढ़ने दीजिएगा उन लोग को। एक आखिरी सवाल है, बैठक होने वाली है 23 जून को बैठक है, लेकिन अब बीजेपी जो कह रही है कि कोई बैठक नहीं होगी, नीतीश कुमार का चेहरा किसी के लिए नहीं, अगर है हिम्मत तो बोले कि नीतीश कुमार को विपक्ष का नेता बनाएंगे। नीतीश कुमार ये तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, नहीं विपक्ष की आवाज है। सुशील मोदी का बयान लगता नहीं अच्छा पटरी बैठ रहा है क्या ही लोग को। सुशील मोदी जी का तो बयान आया है कि बैठक होते रही है, पहले भी बैठक होते रही है, उनको एहसास हो गया है। नीतीश कुमार जी जब फैसला लेते हैं तो उसका असर क्या होता है, क्योंकि वो राजनीति के अनुभवी व्यक्ति हैं, ये लोग अनुभव ही नहीं, इन लोग को जानकारी नहीं है। सुशील मोदी जी का बयान है, ये लोग का बयान, दोनों चलाइए, सुशील मोदी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा, तब पता चलेगा कि पार्टी में कितना डिफरेंस आपस में है। लग रहा है कि सफल होगा बैठक? बिल्कुल सफल होगी बैठक और एक सक्षम रणनीति बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार साहब का, जिस हेलीकॉप्टर पर सम्राट चौधरी चल रहे हैं वो किसकी हेलीकॉप्टर है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं साफ साफ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को लेकर भी कहा है कि वो भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको लेकर क्यों नहीं घूम रहे, और इस पुल की जांच जो है वो सरकार करा रही है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत